नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, हरियाणा में जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरियां निकलती है उससे संबंधित जो रोज़गार पोर्टल बनने जा रहा है उसमें कुछ नियम बने हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या नियम लागू होने वाले हैं और क्या हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। पहले चरण में 2.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोज़गार में आरक्षण का लाभ। इसके अलावा बताया गया है, सबसे पहला है कि आरक्षण की सुविधा वो 50,000 से कम तनख्वाह वाले पदों पर लागू होगी। इसके अलावा हरियाणा के मूल निवासी को योजना का लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। चौथे नंबर पर बताया कि ईंट भट्टों पर यह नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे उड़ीसा व झारखंड की लेबर ही काम करती है, यह लेबर हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट बताया कि निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिम बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी, इसमें उन्हें महारत हासिल है। अगली है कि हरियाणा के आईटीआई से निकले युवाओं को रोज़गार में प्राथमिकता मिलेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में फिलहाल करीब 60,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनका पंजीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी कुशल कर्मचारियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। नेक्स्ट दे रखा कि हरियाणा के लोगों को रोज़गार मिलने में प्राथमिकता से इंडस्ट्री और यहाँ के युवाओं का खर्चा कम होगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जसपा गठबंधन का यह दांव काफ़ी काम आएगा। तो यह जो नियम है, कुछ जो रोज़गार पोर्टल बनेगा तो उसके लिए लागू होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।